नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के ऊपर। दोस्तों, श्रीलंका ने एक और मजबूत झटका दे दिया है, किसको? चाइना। अब श्रीलंका क्या करने वाला भाई? इससे पहले आपने देखा होगा न्यूज कि श्रीलंका ने क्या बोला था, वोंट अलाउ एनीथिंग हार्मफुल फॉर इंडिया सिक्योरिटी, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था। अब हालांकि पुतिन ने एक और झटका मिल गया है यहाँ पे चाइना को। अब क्या होने वाला है? इंडिया इन टॉक्स विद श्रीलंका टू अक्वायर ग्रेफाइट माइन ब्लॉक। अब इंडिया भैया ना श्रीलंका के जो ग्रेफाइट माइन ब्लॉक को भैया बोलते हैं ना अक्वायर करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है दोस्तों, चलिए यहाँ पे समझते हैं। जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों ना, वो लिथियम आयन और अन्य बैटरियों के लिए एनोड के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे आम सामग्री है। तो सर ये एनोड क्या है, चलिए इसको जरा जूम करके हम लोग देख लेते हैं। ये रहा एनोड। एनोड क्या है भैया, यहाँ पे देखो, नेचुरल ग्रेफाइट और सिंथेटिक ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ये जो परत दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये एनोड होता है। उसमें किसका उपयोग होता है भैया? ग्रेफाइट का। नेचुरल ग्रेफाइट या सिंथेटिक ग्रेफाइट दोनों यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से भैया इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। किसकी? ग्रेफाइट की। अब इंडिया चाहता है भैया कि श्रीलंका के अंदर जो ग्रेफाइट माइन है उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, मतलब अक्वायर करना चाहते हैं। अभी बोलते हैं ना बात चालू, अभी तक फिलहाल श्रीलंका ने दिया नहीं है हमको, ये अभी बात चालू है, लेकिन बहुत जल्दी ये क्लियर भी हो जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बोलते हैं ना ग्रेफाइट श्रीलंका में पाया जाता है, जो 98% क्या होता है, प्योर कंटेंट होता है उसके अंदर। कार्बन के जो कंटेंट होते हैं एकदम प्योर होते हैं, 98% तक होते हैं। हमने और अदर कंट्रीज से भी क्या किया है, बातचीत करना चालू कर दिया है। जैसे हमने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो से क्या खरीदने वाले हैं, कोबाल्ट एंड कॉपर। अब तंजानिया से क्या खरीदने वाले हैं, नियोबियम एंड ग्रेफाइट। साउथ अफ्रीका से क्या खरीदने वाले हैं, ग्रेफाइट एंड टाइटेनियम। इसकी भी बात हमारी चल रही है। अब यहाँ पे जो बोलते हैं ना श्रीलंका के अंदर जो ग्रेफाइट है उसकी क्वालिटी आपको पहले ही पता, बहुत बेस्ट है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, स्थान है, जो एरिया है जो श्रीलंका के अंदर जो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 6 यहाँ पे 9 तक दिया है, यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ग्रेफाइट अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं, जो 98% तक क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं।